अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यूज़। अच्छा, इस वक्त मैं हूँ बोर्ड ऑफिस की तरफ और ऑरेंज बीआरटी, जिसको अब्दुल सत्तार जी के नाम से भी जाना जाता है, तो इस वक्त मैं उसके स्टेशन पे हूँ। ये 10 सितंबर से ये बस चलाई गई है, ठीक है। तो मैं वहाँ पे आया हूँ, देखता हूँ, देखते हैं, विजिट करते हैं यहाँ पे क्या क्या सहूलतें लोगों को दी जा रही है। अच्छा, एक तरफ देखें कि ग्रीन लाइन है, ठीक है, और इस तरफ जो है वो बीआरटी स्टेशन बनाया गया है और यहाँ पर बीआरटी की सर्विसेज प्रोवाइड हुई है। अच्छा, अभी इस पर ट्रैवल करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या सहूलतें दी जा रही हैं वहाँ पर। आइए चलते हैं। आप देख सकते हैं कि रूट कितना ज़बरदस्त बनाया हुआ है, ठीक है। ये सारा जो रूट है ये ऑरेंज लाइन का रूट है और ये बिल्कुल अलग रूट बनाया है। ठीक है, यहाँ पे हम बिना नस्ती का टिकट परचेज करके पूछते हैं कितने चार्ज। अब एक टिकट दे दो। क्या चार्ज दे? अच्छा, 20 रुपये चार्जेस बताए इन्होंने, ठीक है, मुनासिब चार्जेस हैं जो कि ले रहे हैं, 20 रुपये चार्जेस। चलो ठीक है, थैंक यू। चलते हैं आगे। सामने वो टिकट को स्कैन कर रहे हैं। आप यहाँ पे एंटर हुए, देखते हैं कि इसकी सर्विसेज वगैरह कैसी हैं। अभी काफी अच्छी बस है, जदीद बस लग रही है, बेहतरीन इसकी सर्विस है। स्टेशन आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त है, बहुत ही जबरदस्त है, पूरा स्टेशन उन्होंने बना हुआ है ग्रीन लाइन की तरह, पूरी सर्विसेज वगैरह दी हुई है। और ये इसका एंट्रेंस है, एंट्रेंस पॉइंट है, ये भी यहाँ पे एंट्रेंस पॉइंट है, आप देख सकते हैं, और जबरदस्त बनाया है एंट्रेंस पॉइंट। और यहाँ पे ये लेडीज कंपार्टमेंट है, ठीक है, सीट्स वगैरह बहुत ही जबरदस्त बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर जो बसेज होती हैं उस जैसी सीट्स वगैरह बनाई हुई है। सीट वगैरह भी काफ़ी कंफर्टेबल है और सीट का कलर भी बहुत ज़बरदस्त है। ये है जेंट्स कंपार्टमेंट और इसके बिल्कुल इस तरफ है लेडीज कंपार्टमेंट। ठीक है, यहाँ कैमरा वगैरह लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं कैमरा भी लगे हुए हैं, और जो स्टेशन में शो कर रहा है जिना ही जिन इंडस्ट्री पे भी हम खड़े हुए हैं और जिन इंडस्ट्री शो कर रहा है। और लेडीज सीट देख सकते हैं आप, बिल्कुल एक सीक्वेंस से बनी हुई और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल सीट्स हैं। और आगे चलते हैं, देखते हैं। और ड्राइवर का कंपार्टमेंट बिल्कुल सेपरेट बना हुआ है, जैसे आप प्लेन वगैरह में देखते हैं ड्राइवर का कंपार्टमेंट, यहाँ पे भी लेडीज बैठ सकती हैं। अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ आपको, सीट वगैरह बहुत ज़बरदस्त बनी हुई है। और यहाँ पे जिस तरह फूल वगैरह होती है तो यहाँ पे आप इजीली उसको पकड़ सकते हैं, पकड़ के खड़े हो सकते हैं, कोई इतना इश्यू नहीं है। यहाँ पे भी बैठने का सिस्टम है, यहाँ पे भी इसको खोल के बैठ सकते हैं इजीली। अस्सलाम वालेकुम, आप फर्स्ट टाइम सफर कर रहे हैं? सेकंड टाइम। आपको सर्विसेज कैसी लगी है ऑरेंज लाइन की? कूलिंग कम है? अच्छा, रूट की बात कर रहे हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि रूट मजीद इसका बढ़ना चाहिए।
ठीक है, किराए के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप इसका जो किराया? क्योंकि मैंने पीपल्स बस सर्विस का भी देखा, वहाँ पे एक ही किराया फिक्स किया हुआ है उन्होंने। अगर यहाँ से लेके आप कम रूट पे जाते हैं या ज्यादा रूट का भी सफर करते हैं, मगर इन्होंने रूट के हिसाब से किराया एक तय किया हुआ है। तो आप इसके हवाले से क्या कहते हैं? सर्विसेज के हवाले से क्या कहते हैं? और यहाँ पे भी इजीली बैठ सकते हैं, ठीक है, ट्रैवल कर सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। बहुत ज़्यादा अच्छी सर्विस है और एयर कंडीशन बस प्रोवाइड की जा रही है, एयर कंडीशन पूरा सिस्टम है और गेट्स वगैरह आप देख सकते हैं, गेट वगैरह जो सिस्टम बनाया गया वो बहुत ही ज़बरदस्त है। ये पूरी स्क्रीन प्रॉपर तरीके से स्क्रीन लगाई हुई है, ठीक है, जिसपे बीआरटी वगैरह के शॉट्स चल रहे हैं। स्टेशन है उसका पूरा नाम लिखा हुआ है यहाँ पे टीएमए औरंगी टाउन। कैमराज वगैरह प्रॉपर लगे हैं ताकि कोई वगैरह इशू वगैरह ना हो। कैसा लग रहा है? तो अच्छा लगेगा। नहीं, अच्छा फर्स्ट टाइम कर रहे तो इस हवाले से क्या कहता है जो सर्विस? हाँ, एयर कंडीशन बस दी जा रही है, अच्छा किराए के वाले से क्या कहते हैं? ठीक है, पीपल्स बस में ना एक किराया उन्होंने फिक्स किया हुआ है 55 रुपीज, ठीक है। यहाँ पे जो है वो मतलब जो आपके स्टेशन है उसके हिसाब से किराया, जैसे 20 रुपए किराया, अभी मैं नेक्स्ट स्टेशन में जाऊंगा तो 20 रुपए। तो इस हवाले से क्या कहते हैं आप? बिल्कुल ठीक है। सफाई सुथराई के हवाले से क्या कहेंगे? ठीक है, सही, थैंक यू। ठीक है, अब ये गाड़ी जा रही है, तो बस आपकी जा रही है। स्कैन हो गई है, स्कैन हो गई है टिकट प्रॉपर तरीके से, ठीक है। आप देख सकते हैं पूरा एक सिस्टम बनाया हुआ है, पूरा एक स्टेशन बनाया हुआ है और अभी हमने अपना जो डेस्टिनेशन है वो कंप्लीट कर लिया है और अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, मेरे लिहाज से बेहतरीन ये एक सर्विसेज प्रोवाइड की गई है, अच्छा सफ़र रहा है, ठीक है। तो और सा जो रेंट है किराया भी बहुत ज़बरदस्त रहा है, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि लोगों को इस पर सफ़र वगैरह करना चाहिए, इसकी सर्विसेज भी बहुत ज़बरदस्त है। तो मेरी ये वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अल्लाह हाफ़िज़।